आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी, जो ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। जब भी हम इडली बनाते हैं तो पहले दाल चावल को सोक करते हैं 5 से 6 घंटे तक, फिर बैटर पीसकर उसे हम फर्मेंट करते हैं। और इडली तो बहुत अच्छी बनती है मगर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको ब्रेकफास्ट में इडली खाने का मन हो तो ये इडली बनाने में बस 10 से 15 मिनट लगते हैं बैटर बनाने में, और आधे घंटे में ये इडली बन जाती है। साथ ही में हम बनाएंगे इंस्टेंट कोकोनट चटनी भी। तो चलिए ये इंस्टेंट रवा इडली बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम गैस की मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना घी। घी गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़े से काजू, जिसको मैंने इस तरह से टुकड़े करके लिए हैं, और उसे हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। वैसे तो काजू जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, जब हल्का सा काजू पर गोल्डन कलर आए तब काजू को हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो कि काजू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब उसी गर्म घी में हम 1 टीस्पून जितनी राई डालेंगे। राई चटकते ही 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे और इन दोनों दालों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। दाल का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक दाल को हमें सौते कर लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट में ये दाल अच्छे से सौते हो जाती है। अब हम उसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ 1 टीस्पून जितना अदरक, बारीक चॉप की हुई 2 हरी मिर्च, बारीक चॉप किए हुए 10 से 12 करी पत्ते, और इसे भी हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब 1/4 टीस्पून जितनी हींग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ 1 कप जितना रवा लिया है, यानी कि सूजी ली है। ये हमें थोड़ा सा मोटा वाला रवा लेना है, बारीक वाला रवा या सूजी हमें नहीं लेना है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रवा हमें ज़्यादा या ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा वो फूल जाए तब तक हमें रवा को सौते कर लेना है। ध्यान रहे कि रवा का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस 1 से 2 मिनट में ये रवा अच्छे से सौते हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इंस्टेंट रवा इडली का प्री मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इस मिक्सचर को हमें कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 4 से 5 मिनट हो गई है और रवा का ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। आप चाहो तो ये मिक्सचर बाहर कम से कम 7 से 8 दिन और फ्रिज में ये 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। अब हम उसमें 1 कप जितना खट्टा दही ऐड करेंगे। जिस नाप से हमने रवा लिया है उसी नाप से आपको दही लेना है। उसी के साथ हम लेंगे 1/2 कप जितना फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा थोड़ा ठीक है, तो अब हम उसमें 1/3 कप जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही हमें उसमें पानी ऐड करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो बैटर हमारा परफेक्ट रेडी है। अब उसे हम कम से कम 30 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तक बैटर हमारा रेस्ट होता है तब तक हम एक इंस्टेंट कोकोनट चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में 1/2 कप जितना धनिया हम डंठल के साथ लेंगे, 1/2 कप जितना नारियल, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 1/2 कप जितनी रोस्टेड चना दाल, 1 टीस्पून जितना जीरा, और थोड़ी सी हम इमली डालेंगे। इमली की जगह आप नींबू भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। और अब मिक्सर जार को बंद करके उसे हम चटनी फॉर्म में पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोकोनट की चटनी हमारी रेडी है। आप चाहो तो इस चटनी में मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हो। अब हम चटनी को बाउल में निकाल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो मिक्सर जार में जो चटनी चिपकी हुई है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। वो पानी हम चटनी में ऐड कर लेते हैं।
चटनी आपके पसंद के हिसाब से गाढ़ी या पतली कर सकते हो। तो अब हम चटनी पर एक तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम एक टीस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही एक टीस्पून जितनी राई, राई चटकते ही आधी टीस्पून जितना जीरा, आधी टीस्पून चना दाल, आधी टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे और दाल को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। चम्मच की मदद से दाल को इस तरह से चलाते जाना है, ये देखिए। और अब उसमें हम थोड़े से करी पत्ते और दो सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि तड़का हमारा रेडी है और अब हम इस तड़के को चटनी में डाल लेते हैं और तड़के को चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, इंस्टेंट कोकोनट वाली चटनी बनकर हमारी रेडी है। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है, यानी कि रवा अच्छे से फूल गया है, मगर अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा बैटर है। अब इडली अच्छे से फूले और सॉफ्ट हो उसके लिए हम आधी टीस्पून जितना इनो डालेंगे और इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक ही दिशा में हम इस बैटर को चलाते जाएंगे। आप चाहो तो इनो की जगह बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिएगा। तो लीजिए, इडली का बैटर हमारा रेडी है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए। अब मैंने यहाँ पर इडली का एक मोल लिया है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल या फिर घी ऐड करेंगे और अच्छे से इडली मोल्ड को हम ग्रीस कर लेते हैं ताकि इडली को जब हम डीमोल्ड करें तो आसानी से इडली निकल जाए। अब उसमें हमने जो काजू को फ्राई करके रखा था वो इस तरह से मोल्ड में हम रखेंगे। ये काजू रखना टोटली ऑप्शनल है। अब इडली के बैटर को हम मोल्ड में डालेंगे। हमें ये पूरा नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है ताकि इडली को अच्छे से फूलने की जगह मिले। इडली का मोल्ड बनने के बाद अच्छे से एक से दो बार इस तरह से हम टैप कर लेते हैं ताकि इडली का बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे हम स्टीम होने के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर को गैस की हाई फ्लेम पर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने पानी में आधा नींबू भी डाला है ताकि जो बर्तन में वाइट वाइट परत लग जाती है ना वो ना लगे और बर्तन हमारा एकदम क्लीन हो, है ना अच्छी सी टिप्स। अब इडली के मोल्ड को हम स्टीमर में रख देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और कम से कम इसे हम 8 से 10 मिनट तक इडली को स्टीम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो लगभग 10 मिनट जितना समय हो गया है और आप देख सकते हो कि इडली अच्छे से फूल गई है। अब हम एक टूथपिक से इसे चेक कर लेते हैं कि इडली हमारी अच्छे से कुक हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि टूथपिक हमारा एकदम क्लीन निकला है, दैट मीन्स कि हमारी इडली अच्छे से कुक हो गई है। अब इडली मोल्ड को हम स्टीमर में से निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। 1 से 2 मिनट इस तरह से ठंडा होने के बाद चम्मच के पीछे के हिस्से से इस तरह से इडली को डीमोल्ड कीजिएगा। तो लीजिए, हमारी एकदम सॉफ्ट रवा इडली बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये इडली आप कोकोनट की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।